हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त शुभम मिश्रा आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल पावर ऑफ फिजिक्स बाय शुभम सर में स्वागत करता हूं। आज जैसा कि हम न्यूक्लियर फिजिक्स के सेकंड लेक्चर में एंट्री कर रहे हैं और हमने पिछले लेक्चर में न्यूक्लियस के बारे में, एटम्स ऑफ एलिमेंट के बारे में, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार, ये सब क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। आप इससे पहले का वीडियो जरूर देखें, तभी आपको ये वाला लेक्चर समझ में आएगा। चलिए हम अपने सेकंड लेक्चर की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम अब जानेंगे कि जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का साइज कितना है, और शायद इसी न्यूक्लियस के साइज से हमें एटम्स के साइज के बारे में भी आज जानकारी मिलेगी। तो हम बात करते हैं कि ये न्यूक्लियस जो है, इस न्यूक्लियस का साइज कितना है। जैसा कि रदरफोर्ड ने बात किया था कि रदरफोर्ड ने कहा था कि एटम्स जो है, एटम्स का आधे से ज्यादा भाग जो है वो खाली है। जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग करवाया था तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में उन्होंने कहा था कि एटम्स का आधे से ज्यादा भाग खाली है, लेकिन कोई एक ऐसी पर्टिकुलर भाग था जहां पर वो जो अल्फा पार्टिकल उन्होंने डिफ्लेक्ट कराया था वो अनडेविएटेड हो रहे थे, मतलब कि वो डेविएट नहीं हो रहे थे, वो उसी जगह पे गिर जा रहे थे। जब उसी जगह पे गिर जा रहे थे तो उस पार्ट का नाम इन्होंने दिया था न्यूक्लियस, कहा था न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर हम जानते हैं कि प्रोटॉन्स हैं एंड न्यूट्रॉन्स हैं। अब ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, और प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और ये होता है चार्जलेस, ये चार्जलेस होता है, मतलब इसके पास कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन अब मुद्दा ये उठता है कि अगर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के अंदर हैं तो आखिर कौन सा ऐसा फोर्स है जो इस न्यूक्लियस के अंदर एग्जर्ट कर रहा है और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को पैक किए हुए है। ऐसा कौन सा फोर्स है जो न्यूक्लियस के अंदर लग रहा है और उसको पैक किए हुए है, तो इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक बात करते हैं न्यूक्लियस साइज की। न्यूक्लियस साइज जो कि हमें एक्सपेरिमेंटली मिला, वो मिला R = r0 a^3, जहां पर r क्या है, r हमारा है न्यूक्लियर साइज, जहां पर r हमारा क्या है, न्यूक्लियर साइज। और एक्सपेरिमेंटली जो इसका साइज मिला, वो एक्सपेरिमेंटली इसका जो साइज मिला, उस साइज की जो वैल्यू है वो 10^-15 मीटर है। और इसी के साइज में जो आर नॉट की वैल्यू आती है, आर नॉट की वैल्यू जो बच्चों आती है वो 1.5 × 10^-15 मीटर आती है, और ये समथिंग जो बराबर होती है 1.1 फेमटोमीटर के बराबर होती है। ये भी एक मीटर की यूनिट है जो कि 1.1 फेमटोमीटर, इसे क्या यूज करते हैं हम, इसे हम लेते हैं फेमटोमीटर। और एटम का साइज कितना होता है, एटम का साइज जो होता है वो न्यूक्लियस की साइज से बड़ा होता है, लगभग 10^-10 मीटर। तो ये साइज आप जान सकते हैं कि न्यूक्लियस की जो साइज होती है, न्यूक्लियस की साइज एक्सपेरिमेंटली जो फॉर्मूला हमारा क्लियर है वो R = r0 a^3 है, और इस r को हम न्यूक्लियर साइज बोलते हैं। r नॉट की वैल्यू कांस्टेंट होती है जो कि 1.5 × 10^-15 मीटर होती है, जो कि किसी भी न्यूक्लियाई एटम की जो न्यूक्लियस की साइज होती है वो रेडियस इतनी ही होती है। और अगर इसकी फेमटोमीटर में बात करें तो ये 1.1 फेमटोमीटर के बराबर। अब हम बात करते हैं कि ये जो न्यूक्लियर साइज होती है डिपेंड किस किस पे करती है, तो ये दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। पहला, वॉल्यूम जो होता है न्यूक्लियस का, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। ओके स्टूडेंट्स, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। एंड जो इसका सेकंड पॉइंट है कि डेंसिटी ऑफ जो न्यूक्लियस है, मतलब कि जो डेंसिटी है न्यूक्लियस की, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इंडिपेंडेंट ऑफ। अब इन दोनों पॉइंट को चलिए प्रूफ करते हैं, क्या ये दोनों पॉइंट प्रूफ कर सकते हैं, चलिए इसको देखते हैं। आइए फिर देखते हैं कि ये जो न्यूक्लियर हमारा साइज है, ये न्यूक्लियर साइज किन चीजों पे डिपेंड करता है।
जैसा कि मैंने बताया इन चीजों को प्रूफ करते हैं, प्रूफ करने पे अगर ये वैल्यू सही आती है या जाता है तो हम समझ जाएंगे कि सही है। ओके फ्रेंड्स, तो आप जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर ए एंड डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं कि ये कैसे होगा, इसको चलिए देखते हैं। तो इसको नाम देते हैं पहला स्टार, इसको नाम देते हैं दूसरा स्टार। पहले स्टार की बात करते हैं, हम जानते हैं पहले स्टार की अगर बात करें तो पहले स्टार में हम ये जानते हैं कि जो एटम्स होता है उसका पूरा का पूरा भाग कैसा है, स्फेरिकल है। तो हम ले लेते हैं स्फीयर का वॉल्यूम। स्फीयर का वॉल्यूम आप जानते हैं कि स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो बी बराबर होता है 4/3 πr³। ये स्फीयर का वॉल्यूम है। और अभी अभी हमने एक्सपेरिमेंटली जो न्यूक्लियर साइज बनाया है, न्यूक्लियर साइज जो अभी अभी हमने बनाया वो है r = r₀ a^3। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड b = 4/3 πr, आर की जो वैल्यू है यहां पर रख दीजिए तो ये हो जाएगा r₀³ और ये हो जाएगा a^3/3 जो कि कट जाएगा। तो इसमें जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो v = आ जाएगी 4/3 πr₀³ और इनटू a। और अगर हम बच्चों इतने को देखें कि ये कांस्टेंट है हमारा, जो कि पाई कांस्टेंट है, 4/3 कांस्टेंट है, आर नॉट भी कांस्टेंट, इनकी वैल्यू कभी नहीं चेंज होगी। मैंने आपको बताया कि आर नॉट की वैल्यू किसी भी न्यूक्लियाई एटम के लिए कभी चेंज नहीं होगी। तो ये कांस्टेंट है, तो हम यहां पर देख सकते हैं अगर ये कांस्टेंट है तो जब जब प्रोपोर्शन आता है तब तब कांस्टेंट लगता है और जब जब कांस्टेंट आता है तब तब प्रोपोर्शन हटता है। तो यहां पर हम जानते हैं कि प्रोपोर्शनल, अगर कांस्टेंट हटेगा तो प्रोपोर्शनल आएगा, तो ये प्रोपोर्शनल हो गया बी प्रोपोर्शनल ए के। तो आपको देख रहे हैं कि सेकंड पॉइंट जो है हमारा वो इसका प्रूफ ये आ गया और इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर के बराबर हो जाता है। कहने का मतलब अगर आप मास नंबर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम आपका बढ़ेगा और अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो मास नंबर बढ़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब बात करते हैं डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, इसकी क्या बात करते हैं। हम ले रहे हैं लेटर्स मास ऑफ न्यूक्लियस इज ए, मास ऑफ न्यूक्लियस इज कैपिटल एम, और इस मास ऑफ न्यूक्लियस के अंदर क्या है, इस मास ऑफ न्यूक्लियस के अंदर एटम का मास है, क्योंकि एटम का पूरा मास न्यूक्लियस में ही कंसंट्रेट होता है, तो एटम का मास है और इनटू एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास क्या है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर है बेटा, न्यूक्लियस के अंदर है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो इसी को बोलते हैं एटॉमिक मास। और ये एटॉमिक मास किसका है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का मास है, ये एटॉमिक मास है और ये एटम का मास है। अब हमको डेंसिटी निकालनी है, तो हम डेंसिटी का फॉर्मूला जानते हैं कि डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, जहां पर हमने डेंसिटी को किससे डिनोट किया है, रो से डिनोट किया है, इट एब्रिविएटेड एज रो। मास की वैल्यू रख दीजिए तो मास की वैल्यू यहां पर हो जाएगी m इनटू a और अपॉन वॉल्यूम है किसका, एटम का, तो एटम का वॉल्यूम यहां पर आ जाएगा 4/3 πr₀³ और इनटू a, वही चीज रख सकते हैं यहां पर, वही चीज रख सकते हैं क्योंकि r₃ होगा तो r₀ की वैल्यू यहां से रख सकते हैं। यहां पे आप देख रहे हैं कि a से a कट जा रहा है बच्चों, तो a से a कट जा रहा है, तो पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि जो रो है वो किसी भी तरीके से क्या है, a पर नहीं दिख रहा है, तो यहां पर ये इंडिपेंडेंट ऑफ a हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ a हो जाएगा। तो दोनों चीज हमारी प्रूफ हो गई है और ये इसके लिए है, ये आपके इसके लिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर फोर्स की। चलिए बच्चों बात करते हैं अपना नया टॉपिक न्यूक्लियर फोर्स।
न्यूक्लियर फोर्स हमारे कुछ पॉइंट पे डिपेंड करेगा, और न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है आपको मैं बताता हूँ। जैसा कि रदरफोर्ड ने बताया था कि एटम्स का पूरा स्पेस खाली होता है और एटम्स के जो सेंटर में मौजूद होता है वो न्यूक्लियस होता है, जहां पर एटम का पूरा मास कंसंट्रेट हो जाता है। लेकिन अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर होता है बच्चों, न्यूक्लियस है हमारा ये और एटम है हमारा ये। तो न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, वो रिवॉल्व करते हैं कुछ इस तरीके से। ये इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जो कि रिवॉल्व करते हैं। अब मुद्दा ये उठता है कि आखिर में न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते क्यों हैं? तो उस मुद्दे का रीजन यही है, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स दुनिया का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का एक ऐसा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है जिसने कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को भी पीछे छोड़ा। न्यूक्लियर फोर्स जो है उसकी जो रेंज होती है, सबसे पहले तो ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, ये ध्यान रखिएगा कि ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है जो कि 10^-15 मीटर तक के अंदर में लगता है, और अगर इसकी बात करें तो ये हमारा 10 फेमटोमीटर के अंदर में लगता है। 10 फेमटोमीटर के बाद इसका रेंज खत्म हो जाता है और ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, होता है कंपैरिजन टू ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक आपको समझ में आया? पहला तो ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है जो कि 10^-15 मीटर के अंडर में लगता है, दूसरा ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है और ये इन कंपैरिजन टू मतलब ज्यादा होता है किससे, ये जो न्यूक्लियर फोर्स होता है ये ज्यादा होता है किससे, किससे ज्यादा होता है, इन दोनों से ये ज्यादा होता है। आगे मुद्दा उठता है कि प्रोटॉन के पास तो पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस के पास भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज को एक दूसरे को रिपल करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो सबसे पहले तो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। तो इसी कारण बच्चों न्यूक्लियर फोर्स लगता है, और न्यूक्लियर फोर्स कई पेयर में लगता है। कैसे? न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो ये न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन में लगता है, ये प्रोटॉन और प्रोटॉन में लगता है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में लगता है, कुछ इस तरीके से लगता है। ये बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का फोर्स होता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। पहला पॉइंट शॉर्ट रेंज फोर्स, दूसरा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है इनके कंपैरिजन, तीसरा होता है ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। तो न्यूक्लियर फोर्स के बारे में हमने पढ़ लिया है, न्यूक्लियर साइज के बारे में पढ़ लिया है। आपको आई होप ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के बच्चों का नाम हो सके, और इस समय जो एग्ज़ाम की धूल बनी हुई है हमारे आसपास उसको हम इस कॉन्सेप्ट से, पावर ऑफ फिजिक्स से उड़ा सकें। थैंक यू सो मच।